13वां पॉइंट, बच्चे को बुरी सोहबत से बचाना बहुत जरूरी है। बच्चा कह रहा है कि मैं होमवर्क के लिए जा रहा हूं, फलां दोस्त के पास जा रहा हूं, मैंने होमवर्क करना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, इसलिए फलां दोस्त के पास जा रहा हूं। अब वालिद समझता है कि नहीं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना क्वालिटी टाइम बच्चे को देखना देना सीखा ही नहीं है। हमारा ज़हन ही ऐसे नहीं बना है कि बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम दें। हम कहते हैं कि अच्छी बात की है, हम माँ से कह देते हैं अरे तू देख लेना क्या वाकई उस दोस्त के पास जा रहा है। लेकिन मोहतरमा हिब्बा, ये जो पहली नाजुक उम्र है, इस नाजुक उम्र में बच्चे पर मुकम्मल निगरानी ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो किस दोस्त के साथ मिल रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अलमरु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर उसका दोस्त झूठा है तो वो झूठा हो जाएगा, अगर उसका दोस्त ड्रग एडिक्ट है तो वो ड्रग एडिक्ट हो गया, अगर उसका दोस्त शराबी है तो वो शराबी हो जाएगा, अगर दोस्त गुनहगार है तो वो गुनहगार हो जाएगा। लिहाजा निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 14, और ये भी आपको बता दूँ मोहतरमा हिब्बा, ये हमारे दीन की बुनियाद है। आज की इस महफिल में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जुमा के मजमे में क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी है कि इन पर बात करें, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता। मस्जिद के इमामों की जिम्मेदारी है, खतीब की जिम्मेदारी है कि जुमा के खुतबात में अपने लेक्चर्स में औलाद की तरबियत के प्रैक्टिकल मेथड्स बताए जाएं, उनको बताया जाए कि प्रैक्टिकल मेथड्स क्या है। और आप इस हवाले से हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल निसाब देंगे इंशाल्लाह।